सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में भी देखिए हड़ताल के चलते यहाँ पर मरीज परेशान, हड़ताल पर योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। कोई मरीज मरा तो कहा एफआईआर होगी, एम्बुलेंस ना मिलने से मौत हुई तो एफआईआर, आउटसोर्सिंग कंपनी पर भी केस दर्ज होगा। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है, एम्बुलेंस चालकों कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गई है। एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर यह बड़ी खबर है, हड़ताल पर योगी सरकार का जवाब सख्त। यहाँ पर कोई मरीज मरा तो एम्बुलेंस चालक पर एफआईआर होगी, एम्बुलेंस ना मिलने पर मौत हुई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, आउटसोर्सिंग कंपनी पर भी केस दर्ज होगा। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जिन्होंने चेतावनी दी है यहाँ पर एम्बुलेंस चालकों कर्मचारियों को। देखिए कल से हड़ताल चल रही थी, इसकी वजह से काफी जगह ये तस्वीरें भी सामने आई कि मरीजों को काफी दिक्कतें हुई हैं। 2 से 4 एम्बुलेंस ही पूरे जिले में यहां पर मरीजों को ले जाने और लाने का काम कर रही थी। इसी के चलते अब चेता दिया गया है सरकार की तरफ से भी कि अगर किसी की जान गई तो कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी का। तो संजय देखिए, अब सरकार ने साफ चेताया है कि अगर किसी मरीज की जान जाती है तो जिम्मेवार जो लोग होंगे, जो चालक, जो कर्मचारी, जो आउटसोर्सिंग कंपनी, उन पर केस हो जाएगा दर्ज। ठीक है, आप बिल्कुल, जिस तरीके से 2 दिन से लगातार कर्मचारी, एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में तमाम पेशेंटों को सफ़र करना पड़ रहा है, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पा रही है, तमाम मरीजों को जो है समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार ने हालांकि उनसे बात करने की बजाय जो सख्ती दिखाई है उससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर डर बनाने का प्रयास है, और साफ तौर पे उन्होंने घोषणा कर दी है कि किसी भी कीमत पर मरीज की अगर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी और कंपनी के साथ साथ एम्बुलेंस के चालकों की होगी, क्योंकि अगर मरीज की मौत होती है तो वो सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और इस पर ऊपर जो है FIR की जाएगी। तो ये आदेश कहीं ना कहीं जारी किया है, तो ये प्रोटेस्ट लगातार जिस तरीके से जिद पे अड़े थे कर्मचारी, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। शिवांगी, बिल्कुल संजय, यानी कि साफ है कि यहाँ पर बात नहीं होगी, यानी कि जो उनकी मांगे हैं उनको सुना नहीं जाएगा भी, सीधे ये आदेश कि आप ही समझ जाइए और आप ही अपने बैग कर लीजिए स्टॉप। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से उनकी मांगे, उनके साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार कंपनियों का बदलाव होता है, पहले जीवेके थी अब दूसरी कंपनी आई है, उनका जो मानदेय है वो प्रभावित होता है, कंपनी ठेका पट्टा की तरीके से मजदूरों की तरीके से उन्हें ट्रीट करती है, उनका मानदेय बनता है 22 से 23 हज़ार रुपये, लेकिन उन्हें 10 से 12 हज़ार रुपये का ही भुगतान केवल किया जाता है। नौकरी में भी अनिश्चितता जो है लगातार बनी रहती है कि कब किसको रखेंगे और किसको हटा देंगे। इसी तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर उनकी मांगे हैं कि उन्हें NHM के तहत समायोजन किया जाए, लेकिन समायोजन के तहत लगातार 2 दिन से बैठे हुए हैं इको गार्डन में, उनसे बात करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर विभाग के कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। हालांकि आर्डर जो है वो सख्ती वाला दिखा दिया गया है, तो सरकार अड़िंग है और सरकार ने साफ तौर पे ये जता दिया है कि आपके प्रोटेस्ट, आपकी मांगों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी आपकी और आप पर इस पर खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जी, यानी कि संजय देखिए, ना तो सरकार पीछे हटना चाहती और ना ही यहाँ पर जो कर्मचारी है वो पीछे हटेंगे, तो ऐसे में कर्मचारियों ने इस आदेश की बात कुछ कहा आपसे, आपने बातचीत की उनसे कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो? बिल्कुल, कर्मचारियों के सीधे तौर पे जिस पे अड़े हुए हैं वो कर्मचारी की, उन्हें उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो वो अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पर बैठे रहेंगे, धरने पर जमा रहेंगे, वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। हालांकि सख्ती के बाद देखने को यह है कि अब किस तरीके के कदम उठाते हैं, लेकिन बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार अगर अड़ी हुई है तो वो भी अड़े रहेंगे और वो हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनके हक की बात है, उनके भविष्य के और उनके कैरियर की बात है, सरकार को सुनना चाहिए। हालांकि चुनावी वर्ष है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसका नुकसान
रुझान कहीं ना कहीं सरकार को देखने को मिलेगा आगे, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती दिखाई गई है, जिस तरीके से दमदारी से आदेश जारी किया गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाएगा, लोग लामबंद होंगे और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और एम्बुलेंस चालकों को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये निर्देश दिया गया है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपके खिलाफ FIR होगी, मरीजों की मौत होगी तो आपके खिलाफ FIR होगी, कंपनी के खिलाफ FIR होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो दूसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जो है वो जारी है, हड़ताल से मरीज काफी परेशान, कई जिलों में नौकरी बचाने के लिए हड़ताल हो रही है और इसी हड़ताल को लेकर जगह जगह से तस्वीरें सामने आने लगी है। एम्बुलेंस कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और एम्बुलेंस के चक्का जाम है, ऐसे में पूरे प्रदेश में तमाम जो मरीज हैं उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि ठेका पट्टा जो प्रक्रिया है उसे बंद किया जाए, NHM पे सीधे तौर पर उनका समायोजन किया जाए, जिससे रोजाना कंपनियां जो बदलती हैं वो कहीं ना कहीं इनकी सैलरी में कटौती करती है और उससे इन लोगों की को आगे के जीवन में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सीधे तौर पर इनकी मांगे हैं कि इनको जो 23,000 रुपये उनका भुगतान बनता है तो वो 10,800 क्यों किया जा रहा है, उसको लेकर के लगातार इनका जो ऐलान है कि वो हड़ताल उनकी चलती रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इनके पास कोई भी संपर्क करने नहीं आया, लेकिन अगर संपर्क नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, मरीजों को तड़पना पड़ रहा है, तो सरकार को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए, इनसे संपर्क करके इनकी बातों को सुने और इन्हें मना करके एम्बुलेंस फिर से संचालित हो सके जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार। तो प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं जिससे गंभीर मरीजों को मुसीबतों